हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी एनालिसिस। आइए चलिए डिस्कस करते हैं अक्टूबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है बी, गुजरात। गुजरात शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में किसे चुना है? इसका सही जवाब है पी आर राजेश को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुना है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। 17 से 20 अक्टूबर को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आयोजित की जाएगी? ए चंडीगढ़, बी देहरादून, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली, यहाँ पर 5वीं सभा आयोजित की जाएगी सौर गठबंधन का। ठीक है, चौथे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किस देश के लेखक एनी एर्नॉक्स ने साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? नोबेल पुरस्कार किसे मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में? 2022 का नोबेल पुरस्कार किस देश के नागरिक को मिला? आपका सही जवाब है चार का बी नंबर, फ्रांस। एनी और एरनॉक्स जो कि फ्रांस के हैं, इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के लेखिका एनी एर्नॉक्स। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 2022 का खिताब जीता। यह कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पूछा जा रहा है ईरानी कप, जिसमें सौराष्ट्र को शेष भारत ने हराया और अपना खिताब जीता इन्होंने, यह खेल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा क्रिकेट। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है? किस स्पेस एजेंसी द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है? ए जाक्सा, बी नासा, सी इसरो, डी स्पेसएक्स। इसका सही जवाब क्या होगा? स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने क्रू 5 मिशन को लॉन्च किया है। इनका सीईओ है एलन मस्क, जो कि अभी हाल ही में इनका फोर्ब्स में प्रथम स्थान आया है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में। अगला प्रश्न है, WHO के कार्यकारी बोर्ड में किस के प्रतिनिधित्व के लिए भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को चुना गया? ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही जवाब है अमेरिका। आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI पर कितने रुपए तक के लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आठ में बी, एट नंबर का बी, 2000 तक के लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, 2000 तक का शुल्क फ्री होगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? हमारा नवा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर।
इसका सही जवाब है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वां, 10th नंबर। किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है किसने जीता है? कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल, बी राजीव मोहन गुप्ता, सी ए के समतारा, डी तरुण कुमार चावला। इसका सही जवाब है कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल। स्वरूप सिंह कुंतल ने अल्ट्रामैन का खिताब, अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर है। सी बी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? सी बी जॉर्ज को किस देश में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी इंडोनेशिया या डी डेनमार्क। इसका सही जवाब होगा बी जापान। सी बी जॉर्ज को जापान के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न, 12th नंबर में क्या प्रश्न है। 36वें राष्ट्र खेल यानी 36th नेशनल गेम्स में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? योगासन में, योग में किनको गोल्ड मेडल मिला है? ए पूजा पटेल, बी फरजाना सिराज, सी दीपिका मेहता, डी अभिजाता श्रीधर। इसका सही जवाब होगा ए पूजा पटेल। पूजा पटेल को 36th नेशनल गेम्स में योगा के लिए गोल्ड मेडल दिया गया है, स्वर्ण पदक दिया गया है। अगला प्रश्न है 13th नंबर का। हाल ही में किस बैंक द्वारा भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? किस बैंक द्वारा ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। SBI के द्वारा ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया जो कि 6 राज्यों में होगा। अगला प्रश्न है, बेलारूस के किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बेलारूस के किस कार्यकर्ता को? एलिस बियालिस चात्स्की, बी डेनिस मुकवेगे, सी लेमा गोबोबी एंड डी मार्टी अहती सारी। इसका सही जवाब होगा ए एलिस बियालियात्स्की। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है जो कि बेलारूस के हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का आखिरी प्रश्न है। भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? ए बांग्लादेश, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड या डी वियतनाम। इसका जवाब है बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। इस तरह के प्रश्नों को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।